पाकिस्तान को फरवरी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई के लिए वक्त दिया गया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। इस महीने में FATF की बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान को लेकर फैसला किया जाएगा। कई बार मौका दिए जाने के बाद भी पाकिस्तान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब इस महीने में देखा यह जाएगा कि पाकिस्तान को काली सूची में डाला जाए या नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के लिए ये महीना काफी अहम है। इस महीने में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर और ब्लैकलिस्ट किए जाने का खेल खत्म हो जाएगा। COVID-19 के कारण टली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वर्चुअल मीटिंग 21 से 23 अक्टूबर को होने जा रही है। तभी पाकिस्तान द्वारा टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी और फैसला होगा कि देश ब्लैकलिस्ट किया जाएगा या फिर इसे उबर पाएगा। FATF का ये अहम फैसला पाकिस्तान का भविष्य तय करेगा। इस बैठक में पाकिस्तान द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ उठाए गए इस्लामाबाद के कदमों की समीक्षा की जाएगी। पाकिस्तान पर काफी समय से FATF की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान FATF को आतंकवादियों पर कार्रवाई के मामले में संतुष्ट करने में नाकाम रहा है। अब पाकिस्तान इससे बचने के लिए तमाम कोशिशों में जुटा हुआ है, क्योंकि ये उसके लिए आखिरी मौका है। इससे पहले अक्टूबर 2018 और फरवरी 2019 में हुई समीक्षा में भी पाकिस्तान को राहत नहीं दी गई थी। उस वक्त पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी कि अगर वो कार्रवाई करने में विफल रहा तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले ईरान और उत्तर कोरिया को ब्लैकलिस्ट में रखा गया है। इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब ये होगा कि वे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF और विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं कर सकेगा। इससे अन्य देशों के साथ वित्तीय डील करने में भी समस्याओं का सामना करना होगा। पाक FATF की सिफारिशों पर काम करने में विफल रहा है। पाकिस्तान को जून 2018 में इस लिस्ट में डाला गया था। इसी लिस्ट में ईरान और उत्तर कोरिया पहले से शामिल है। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को विदेशों से और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिली है। फरवरी 2020 में FATF की बैठक में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी वित्त पोषण मानदंडों का पालन करने के लिए अतिरिक्त 4 महीने का समय लिया था, जिसमें पाकिस्तान को अपने 27 सूत्रीय एक्शन प्लान पर काम करना था, जिसमें इसने 14 पॉइंट पर काम किया था लेकिन 13 पर नहीं किया। अब पाकिस्तान ने FATF को संतुष्ट करने के लिए कई कदम तो उठाए हैं। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान ने जो काम किए, उसमें देखना यह है कि FATF की काली सूची में जाने से पाकिस्तान बच पाएगा या फिर उसकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इमरान खान जब से PM बने हैं, पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। FATF की ओर से लगातार चेतावनी मिलने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ और नतीजा ये निकला कि उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। और पाकिस्तान के लिए FATF की अगली मीटिंग काफी अहम है। इसमें फैसला होगा कि उसे काली सूची में डाला जाए या नहीं। अगर पाकिस्तान को काली सूची में डाला जाता है तो इमरान खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और अगर नहीं तो पाकिस्तान को राहत मिल जाएगी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।